राजी, आपको हमारी वजह से बहुत तकलीफ हुई, लेकिन हम क्या करें, हम आपको कोई तकलीफ नहीं देना चाहते थे, मगर हमसे कोई ना कोई भूल हो ही जाती। आप हमें अच्छे इंसान लगे, हमने सोचा आपके पास हमें सहारा मिल जाएगा, लेकिन अब हम आपको अपनी सूरत कभी नहीं दिखाएंगे। हम जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। आपका जो हम पर खर्चा हुआ है उसके लिए हम ये 500 का नोट आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। रो रही हो? नहीं, बारिश का पानी है। अरे अच्छा काम करो, तुम चलो वापस घर चलो, आ जाओ। अरे मैंने कहा ना घर चलो। हमें नहीं चलना। क्यों? आप डांटते बहुत है। मैं डांटता हूँ? मैं कहाँ डांटता हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पानी बरस रहा है, घर वापस चलो। देखो ये बंबई शहर है, यहाँ उल्टे सीधे लोग भी बसते हैं, और फिर तुम बिल्कुल भीग गई हो, बीमार पड़ जाओगी। तुमने अपना नाम नहीं बताया। आपने कभी पूछा ही नहीं? नहीं पूछा? तुम्हारा नाम क्या है? सपना। सपना, ये रुमाल लो और मुंह पोछ लो। चले ए, ए, सपना, नजारा लगे। ऐसे में बोलो मैं जाऊं कहां,
महीना लगी है झड़ी, छत है न छतरी मुश्किल बड़ी। सावन महीना लगी है झड़ी, छत है न छतरी मुश्किल बड़ी। जरा जरा संभाल के। शाबाश, और ये रहा पानी। तुम्हारा नाम बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह जी। मेरा मतलब ये चीनी और ये पत्ती, दूध उबल रहा है और दूध उतना ही डालना जितना मैंने कहा। अच्छा। मैं चेंज करके आता हूँ। और हाँ, अगर कोई आए तो नाम और काम बिना पूछे दरवाजा नहीं खोलना। कौन है लड़की? कौन है? घर तो मेरा ही है। तुम कौन हो? हम है जी। क्या काम है? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए, उल्टा तुम इसे कर रही हो। एक मिनट, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। हाँ बेटा, ये छोड़िए। आप कैसे कहता हूँ दरवाजा खोलो? चोर चोर। अरे मैं चोर नहीं हूँ, सुनिए, कोई चोर घुसा है। चोर? अरे ओ, किधर किधर, तुम हटो हटो पीछे दरवाजे, अभी देखता कौन है। अबे हो, क्या भाई, क्या काम है? अरे ये तो अपना आनंद है, आनंद। ये लड़की कौन है जो मेरे ही घर में मुझे चोर कह रही है? अरे मेरा दोस्त है ये। ये तू लुंगी खोल रहा है या बांध रहा है? बांध रहा हूँ यार। भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ऐसा तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ओ, ये सपना है। ये सपना है सपना। ये सपना नहीं है, हकीकत है। लुंगी बांध ले जल्दी। ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे कैसे कुछ नहीं हुआ, तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है। तू गलत समझ रहा है। अरे गलत तो मैं आज से पहले समझ रहा था, मुझे क्या पता था तू मेरे पीछे ये गुल खिलाएगा। क्या सोचकर तेरी माँ ने भेजा था? और क्या, ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ? नहीं। इसने किसके कपड़े पहने हुए हैं? मेरे। और इसके कपड़े किसने पहने हुए हैं? वो अंदर है। अंदर है? राज, तू ये क्या कर लेटा? क्या मेरा मतलब है, क्या कर बैठा? मैंने तुझसे ये उम्मीद नहीं की थी। ये तुझे क्या हो गया? तू और रिया कर रहा यार, तू बस बंद कर, मैं तुम्हें समझाता हूँ। आनंद जी की चाय लिया ना? चल तू अंदर, अंदर चल। बेशरम, उसके सामने अनाप शराब बोले जा रहा। तू बैठ, मैं समझाता हूँ। क्या बैठू? लड़की के कपड़े। अरे नहीं यार, अब तो इस बिस्तर पे बैठना भी मेरे लिए पाप है। भगवान, तूने ये दिन देखने। तू जानता मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। तू जानता है ये बेसहारा लड़की है जिसे सहारे की जरूरत थी। मैंने सोचा हमें पका पकाया दो वक्का खाना मिल जाएगा। ये लड़की घर का सारा काम जानती है और वो काम करने के लिए हमसे पैसे भी नहीं लेगी यार। और इसके लिए बहुत जरूरी था कि वो अपने कपड़े उतार कर तेरे कपड़े पहन लेती। नहीं यार। और इसमें तेरी भलाई ये है कि तू इसे यहाँ से भगा दे, वरना तेरी पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्या चल रहा है? तेरे पिताजी की आत्मा, भगवान उनकी आत्मा। अरे तू चल रहा है, ये गैस को ऐसे बंद करते हैं। नो प्रॉब्लम। बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया। ये ऐसे बंद हो गया, नो प्रॉब्लम। अरे सपना, ये तो बेहोश हो गई। अरे सपना, ये माँ तो नहीं बनने वाली। या तुम कुछ भी बोल देते हो। सपना, इसका वजन तो थपरा है। थपरा है या कुछ बहाना है? पागलों जैसी बात मत करो, जाओ डॉक्टर को लेके आओ। क्या? मैं? ये लगाना जरूरी है। इंजेक्शन मैंने दे दिया है जी। अगर बुखार फिर भी ना उतरे तो ठंडे पानी की पट्टियां बार बार इसके माथे पे रखते रहना। डॉक्टर साहब, कोई दूसरी गड़बड़ तो नहीं है? आनंद सब ठीक है। सॉरी, सब ठीक। समझ गया। आप डॉक्टर साहब को छुड़ाइए प्लीज। मैं? थैंक यू डॉक्टर। आइए आइए डॉक्टर साहब। हमें दो टाइम का बना बनाया खाना मिलेगा, हमारी सेवा करेगी। अब हमें सेवा करनी पड़ रही है इसकी। चुप। ओके ओके, गुड नाइट, गुड नाइट नर्स। यहाँ से जाना चाहते हैं। यहाँ हमारा दम घुटता है।
दम घुटता दम लगी थी मेरी। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं चाय लेकर आता हूं। देखो राज, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला या खैराती अस्पताल नहीं। दोषू, मैं शाम को घर आऊं तो ये लड़की मुझे आने मिलने चाहिए, वरना मां को खत लिख दूंगा। यार तू समझता नहीं है यार। I don't want any, तू समझता नहीं है। मेरी चाय कहाँ? अंदर पड़ी है, जाकर ले लो। चाय कहाँ है? खाना बनाएगी, सेवा करेगी। तुझे क्या हो गया राज? वेक अप, ए उठो। राजकुमारी के जन्मदिन पर हमने इतने पत्रकारों को बुलाया है, उन्हें क्या कहेंगे? ये पत्रकार तो बाल की खाल निकालते हैं। अगर उन्हें जरा भी शक हो जाए कि राजकुमारी सपना महल में नहीं है तो एक हंगामा खड़ा कर देंगे। किसी को कोई शक नहीं होगा जी। हम पत्रकारों से कह देंगे कि राजकुमारी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो अपना जन्मदिन नहीं मना रही है। हुकम सिंह, हमें तो डर है कि कहीं राजकुमारी के साथ कोई हादसा ना हो जाए। उसका सलामत रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। धौलपुर गाँव में एक भैंस ने 60 लीटर दूध दिया। मिनिस्टर को करोड़ रुपए की रिश्वत। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कोई पुराना अखबार पढ़ रहा हूँ? अरे भैया, ऐसी खबरें तो रोज छपती है। कोई सनसनी खेज खबरें ले आओ, वरना मेरा अखबार बंद हो जाएगा। जाओ जाओ। 60 लीटर दूध। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, एक सनसनी खेज खबर लेकर आया हूँ। जानते हो प्रिंस चार्ली और साइना में तलाक क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि साइना का किसी दूसरे आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। और जानते हो दूसरा आदमी कौन है? कौन है? अमिताभ बच्चन। क्या सही कह रहा तुम? त्रिपाठी जी, खबर छपने के लिए उसका सही होना जरूरी थोड़ा होता है। खबर जब तक छपी नहीं होती तब तक चूटी जितनी होती है वैसे छप जाती है, हाथी जितनी हो जाती है। चूटी किसी को नजर नहीं आती, हाथी सबको नजर आता है। आप बोलिए। अरे यार, तुम मेरा अखबार बंद करवाने पर क्यों तुले हुए हो? सर, वो राजकुमारी की न्यूज का क्या करें, छापे या ना छापे? नहीं, अब क्या फायदा, तुम जाओ। ओके सर। अपने आप को बहुत बड़े तिस्मार खान पत्रकार समझते हो। विदेशी प्रिंसेस की बजाय हमारी देशी प्रिंसेस का इंटरव्यू लाकर छापो तो हम माने। अगर मैं इस राजकुमारी के इंटरव्यू के साथ कुछ ऐसी तस्वीरें लाऊं जहां की राजकुमारी खाना बना रही है, जहां की राजकुमारी झाड़ू कटका दे रही है, जहां की राजकुमारी कपड़े धो रही है, तो कैसा रहेगा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, मगर अगर मैं ये सब ले आऊं तो? जो मांगोगे वो मिलेगा? तो फिर 10,000 रुपया एडवांस निकालिए। एडवांस नहीं देता मैं। तो ठीक है, 50,000 मैं किसी दूसरे अखबार वाले से ले लेता हूँ। देता हूँ। दीजिए। आपका काम हो गया त्रिपाठी जी, लाइए। पैसा निकालने में हमेशा परेशानी होती है। मैं आया इंटरव्यू लेकर और तस्वीरें लेकर। त्रिपाठी जी, आपका काम हो गया। आना। हेलो, कौन आप? कौन? हुकम सिंह। हुकम सिंह जी, मैं राजकुमारी सपना से बात करना चाहता हूँ। पर तुम कौन? जी मैं कोई भी हूँ, मगर इतना जानता हूँ कि राजकुमारी सपना इस समय महल में नहीं है। पर तुम कहना क्या चाहो? जी कहना ये चाहता हूँ कि राजकुमारी सपना इस समय मेरे पास है। तुम्हारे पास? लेकिन हमें कैसे यकीन होवे? जी कोई बात नहीं, मत करिए यकीन। कल अखबार में उसकी फोटो देख लेना, खुद ब खुद यकीन आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना। कोई आदमी है, कह रहा है कि राजकुमारी उसके पास है। हेलो, हम महारानी रायगढ़ बोल रहे हैं। जी बोलिए, आपको बोलने से कौन रोक सकता है? देखिए, आप जो भी हैं,
राजकुमारी सपना को फौरन महल में वापस भेज दीजिए। मुंह मांगा इनाम मिलेगा। ये फोन कहाँ से आया होगा? तू चुप कर रानी। जाट बुद्धि को जरा सोचने दे, जरा सोचने दे। यस। अरे क्या काम है भाई? अरे आनंद, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? और ये हुलिया क्या बना रखा है? मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था। अच्छा। और फिर मैं सपना जी के लिए कुछ कपड़े और जूते वगैरह लेने गया था। हेलो। हम जा रहे हैं जी। ऐसा कैसे हो सकता है सपना जी? मतलब जी? आप इस शहर में अनजान हैं और ये शहर अनजान लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। राज, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? राज, मैंने कहा मैं ठीक कह रहा हूँ ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही है, ठीक कह रहे आप। लेकिन वो सुबह तो आप... सुबह मेरी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए अनाप शनाप बकता रहता हूँ। अच्छी लड़की है। देखिए सपना जी, मैं आपके बड़े भाई जैसा हूँ। वादा करिए कि आप ये घर छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। जी जी, लेकिन 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 कुछ नहीं। देखिए, ये आपके बड़े भाई का हुक्म है कि आप ये घर छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। अब आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाता हूँ। राज, चाय इन्हें बिठाओ, चाय बना के लाता हूँ। वाकई आनंद जी तो बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन इतना अच्छा हो कैसे गया? हाँ? नहीं, आप बैठिए बैठिए बैठिए, आप, मैं जरा हेल्प करता हूँ। आनंद, ये मैं क्या देख रहा हूँ, तू एक ही दिन में इतना बदल गया? बात यह है कि अब मेरी किस्मत बदलने वाली है। क्या मतलब? मतलब ये कि आज जब मैं दफ्तर जा रहा था तो मुझे एक ज्योतिषी मिला। हाँ? उसने मुझे कहा, बच्चा आनंद, जिस लक्ष्मी का सपना तुम इतने दिनों से देख रहे हो, वो लक्ष्मी तुम्हारे घर पर बैठी हुई है। यानी ये कि जैसे मैं ऑफिस पहुंचा, मुझे 10,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला और मैं समझ गया कि जिस लक्ष्मी की मुझे तलाश थी वो सपना के रूप में मेरे घर पे बैठी हुई है। अब इस लक्ष्मी को जाने नहीं दूंगा। तू लक्ष्मी के पास बैठ, यानी सपना जी के पास बैठ। कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। तू जा जा जल्दी जा। आनंद जी कुछ बदले हुए लग रहे। मैंने कहता था कि मेरा दोस्त जबान का कड़वा है लेकिन दिल का अच्छा है। लेकिन अचानक ही कुछ अजीब कपड़े पहन के क्यों आ गए? उसे किसी जोश, उसे ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं। लो आ गए। सपना जी, गरम गरम चाय। थैंक यू। मेरी चाय? अंदर पड़ी है, जाकर ले लो। आप मेरी चाय ले लीजिए। आप नहीं सपना जी, आप नहीं, आप नहीं। तुम ऐसा करो, ये चाय तुम ले लो। हाँ। मैं चाय नहीं पीता। मत पियो, मत पियो। मैं चाय पी लेता हूँ और रसोई में पीता हूँ। आनंद ही आनंद। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। कर सेवा मिलेगा मेवा, कर सेवा मिलेगा मेवा, कर सेवा मिले। मेरी भी एक शर्ट इस्तरी कर दे। मैं क्या धोबी हूँ, अपने आप करो। क्यों, सपना के कपड़े इसलिए कर सकता है, मेरे नहीं कर सकता? वो एक राज, राज, वो एक लड़की है, हमारी मेहमान है, उनके कपड़े इस्तरी करना हमारा धर्म है।